तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है जो अभी जो पीसी आपको बताने वाला हूँ, वो तीन पीसी बताने वाला हूँ। बेटे 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 मौज कर दी। तो चलिए दोस्तों, Amazon Prime Days आ चुका है। 26-27 जुलाई को Amazon Prime Days आने वाला है एंड उस पर आपको पीसी का जो है भरमार देखने को मिल जाएगा एंड डिस्काउंट वाइज पीसी भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी Amazon Prime Days में आपको कौन से पीसी खरीदने चाहिए जो कि आपको सस्ता में बेस्ट मिल जाए एंड आपको कोई भी इशू नहीं। अगर अभी तक आप बैठे हुए मेरे वीडियो देखते हो बट पीसी नहीं खरीदे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। गाइस एंड तक जरूर से जरूर ये वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसी खरीदना सोच रहे हो एंड अभी तक बस हमारे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखना तक एंड मैं अभी आपको बताऊंगा Amazon Prime Days पे बेस्ट CPU कौन आप परचेज कर सकते हो जिसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, चारों चीज कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अगर उससे पहले हमारे चैनल पे देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर नहीं आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब मारो क्योंकि मैं पीसी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस जल्दी अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो इन्फॉर्मेटिव होगा हमारा चैनल एंड मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता हूं, तो कर लेना सब्सक्राइब और यहां पे लगाता हूं इंट्रो। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। शुरू करता हूं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन पीसी बताने वाला हूँ एंड तीनों पीसी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऐप डेवलपमेंट में एंड तीनों बजट में आने वाला है। बजट के साथ साथ अभी Amazon Prime Days पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो एक बात बता दूं, मैं जो पीसी बताता हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं सभी पीसी का, तो अगर आपको कोई भी पीसी अगर माइंड में आता है परचेज करने के लिए तो लिंक से जाके परचेज करें, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको सही पीसी मिलेगा। कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा या फिर एक्स्ट्रा कोई गलत सामान नहीं मिलेगा, एकदम सही सामान मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन से खरीदना यार। अभी मैं आपको बताता हूं हमारा पहला पीसी। तो गाइस पहला जो हमारा पीसी है वो सिंट्रोनिक्स की तरफ से आने वाला एक बजट गेमिंग पीसी है जिसका फुल नाम की बात करूं तो फुल नेम है इसका सिंट्रोनिक्स बेस्ट बजट गेमिंग पीसी जो कि आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगा मात्र 32,000 में एंड सबसे मैं इंक्रीज्ड प्राइस से डिक्रीज प्राइस पे जाऊंगा, मतलब सबसे ज्यादा प्राइस जो इसका है 32,000 वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है, 32,000 कम है एंड ये अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो हाई एंड गेमिंग के लिए तो 32,000 आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको पहले बताता हूं इसका कुछ स्पेसिफिकेशन। तो इस पीसी में अगर सबसे पहले बात करूं अगर इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, सभी प्रोसेसर बढ़िया ही रहते हैं लेकिन प्रोसेसर जो होता है नया एंड पुराना का बात होता है गाइस। तो अभी मैं बताता हूं ये जो अभी पीसी आ रहा है नया Amazon Prime Days पे तो ये सिंट्रोनिक्स अपग्रेडेड थोड़ा सा पहले जो आता था उससे अच्छा ये आने वाला है एंड अभी मैं बताता हूं इसमें जो प्रोसेसर है वो Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 3 प्रोसेसर 3200G जो कि प्रोसेसर का पूरा नाम है एंड ये प्रोसेसर का अगर मैं प्रोसेसर स्पीड की बात करूं तो प्रोसेसर स्पीड इसका 3.6 GHz का इसका प्रोसेसर स्पीड है जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाता है एंड आपको पीसी को फास्टली रन करने के लिए काफ़ी हो जाता है एंड उसके साथ साथ इसमें 4 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स है, मतलब कि गाइस इसमें भी ये थोड़ा सा इंप्रूव है। प्रोसेसर में आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, प्रोसेसर आपका बेस्ट होने वाला है एंड अभी 5 साल बाद भी ये प्रोसेसर आपके लिए नया ही रहेगा AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 प्रोसेसर। तो ये हो गया इसके प्रोसेसर की डिटेल। अब नेक्स्ट अगर मैं अपने सेकेंड स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इसी पीसी के तो वो आता है रैम। रैम जो होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक पीसी के लिए। इसमें भी 8GB का रैम है जो कि DDR3 रैम है 8GB का। DDR4 रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता बट DDR3 भी रैम अच्छा है एंड गेमिंग के लिए DDR3 पे भी आप गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए भी कर सकते हो। तो जो आपको चाहिए वही लो, ज़्यादा क्यों देखते हो, अगर आप देखोगे ज़्यादा चीज़ तो दाम बढ़ जाएगा या फिर कुछ कुछ तो कम देगा, इसलिए DDR3 रैम 8GB का। रैम हो गया डिटेल एंड जो भी मैं बताता हूँ सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर देखना, ऐसे ही नहीं जज कर लेना वीडियो को, थोड़ा सा देखोगे तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बताता हूँ ये तो मेन स्पेसिफिकेशन इसको बता दिया, अब मैं रफली बता देता हूँ इसमें 1TB का इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है गाइस, मतलब 1TB स्टेज का स्टोरेज आप स्टोर कर सकते हो 1TB तक एंड इसमें 240GB का अलग से SSD कार्ड भी लगाया गया है। SSD कार्ड रिबूट, रीस्टार्ट एंड रीड एंड राइट आप मेनली बोल सकते हो, उसमें फास्ट काम करता है, मतलब कोई भी आप कमांड देते हो तो उसके लिए SSD कार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो जल्दी से करता एंड 240GB का SSD कार्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। एंड उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रफली इसका विंडोज 10 इसमें वर्जन रहता जो कि लाइफ टाइम के लिए है, प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएगा एंड कुछ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर, कुछ कुछ पोर्ट। एंड गाइस अगर आपको इस पीसी का मेनली अगर वीडियो चाहिए एक अलग सा वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इस पीसी का डिटेल बताया हूँ, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको परचेज करना तो उसके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद परचेज करना। अभी मैं आज चलता हूं अपने नेक्स्ट पीसी पे एंड इस पीसी का मैं लुक का तो बात किया ही नहीं, आप लुक देख सकते हो गेमिंग के लिए बीस्ट होने वाला है। तीनों साइड से इसका कवर है एंड एक साइड से इसका ट्रांसपेरेंट लुक है जिसके अंदर RGB फैन लगे हुए एक जो कि अच्छा लगता है एंड देखने में बहुत ही अच्छा लगता है एंड गेमिंग के लिए आपके लिए बेस्ट होने वाला। अब ये तो बता दिया इसका फर्स्ट सिंट्रोनिक्स बेस्ट बजट गेमिंग पीसी 32,000 है एंड ये पीसी आपको
पूरा डिटेल में बता दिया। अब मैं अपने सेकंड पीसी पे आता हूँ। तो सेकंड जो हमारा पीसी है वो चीस्ट बजट गेमिंग पीसी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पबजी गेमिंग पीसी है। एंड गाइस, अभी इसका पूरा नाम मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ, चीस्ट पबजी गेमिंग पीसी इसका फुल नेम है। एंड गाइस, ये जो पीसी है वो 30,000 में अवेलेबल हो जाता है अमेजोन पे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। एंड अभी मैं इसको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। प्रोसेसर उसमें था राइजन 3 प्रोसेसर, एंड इसमें बात करें तो इंटेल की तरफ से आने वाला प्रोसेसर है i5, जो कि ये भी आप बोल सकते हो हाई एंड प्रोसेसर है। एंड लेटेस्ट जनरेशन में इंटेल का यही प्रोसेसर बहुत ही अच्छा मार्केट में चल रहा है। एंड गाइस, अभी इंटेल i5 प्रोसेसर का अगर मैं बात करूँ कुछ इसके अंदर की, तो इसमें जो 3.6 GHz का इसमें भी प्रोसेसर स्पीड है, बट ये इंटेल और AMD का दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो अच्छा की मैं बात करूँ तो दोनों ही बहुत ही बेहतर होते हैं, एंड स्पीड तो दोनों का सेम है ही। एंड इसकी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स ही देखने में मिलते हैं इसमें। तो ये सब हो गया इसके प्रोसेसर का डिटेल। अब आते हैं सेकंड जो इसमें रैम जो हमें देखने को मिलता है, 8 GB का रैम है, जो कि वही सेम है, रैम में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस है तो सिर्फ आपको प्रोसेसर में। एंड प्रोसेसर भी बहुत ही बढ़िया, ये भी आप परचेज कर सकते हो पीसी 30,000 में, ये भी बहुत अच्छा है। एंड अगर स्टोरेज की बात करो तो इसमें 1 TB का स्टोरेज है, जिसके साथ साथ SSD कार्ड की बात करो तो 120 GB का SSD कार्ड है, बट उसमें 240 GB का SSD कार्ड है, तो इसी कारण उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड इसमें विंडोज 10 ट्रायल वर्जन है, जो कि ठीक ठाक है। विंडोज 10 ट्रायल वर्जन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, उसके साथ साथ बेसिक सॉफ्टवेयर ये सब तो मैं बताया। पोर्ट उट मेनली अगर इसका वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, आई बटन पे भी दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो वीडियो को एंड फुल वीडियो देख सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ अपने थर्ड एंड जो सबसे कम दाम में बेस्ट आप बोल सकते हो पीसी, वो पीसी तो वो है इंटेल। एंड ये जो होने वाला सबसे बजट पीसी आप बोल सकते हो वो है, क्योंकि ये चीस्ट का ही है, बट इसका दाम मात्र 23,000 है। एंड इस पर आप गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एंड बेस्ट पीसी आपके लिए होने वाला है। क्योंकि अभी मैं आपका इसको बताऊं नाम, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ। तो नाम इसका सबसे पहले है चीस्ट बेस्ट बजट गेमिंग पीसी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चीस्ट पबजी गेमिंग पीसी था, एंड ये चीस्ट बेस्ट बजट गेमिंग पीसी है। तो अब ये बता दिया इसका। एंड उसके बाद अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी इंटेल की तरफ से आने वाला i5 प्रोसेसर है, बट प्रोसेसर स्पीड जो है इसका थोड़ा सा कम है, 3.2 GHz इसका प्रोसेसर स्पीड है, 4 कोर है एंड 4 थ्रेड है। ये हो गया इसका प्रोसेसर डिटेल। प्रोसेसर वो तीनों से थोड़ा सा कम है, एंड प्राइस तो आप जान सकते हो बहुत ही कम है, तो इसीलिए प्रोसेसर मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। अगर आपको बजट में जाना है तो ये पीसी के साथ आप जा सकते हो। एंड रैम की बात करूँ, अगर रैम तो रैम जो इसमें है वो 8 GB का रैम है, जो कि सेम है, तो मैं बताऊँ दाम बस कम है बट सेम है, क्योंकि इसका लुक थोड़ा सा कम पड़ जाता है वो सबसे, एंड प्रोसेसर में भी थोड़ा सा कम है, रैम भी DDR3 रैम है तो वो सबसे उसका DDR4 था, इसलिए कम हो जाता है। एंड स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज भी इसमें 1 TB का दिया गया, सेम उसी की तरह, बट SSD कार्ड 120 GB का। तो SSD कार्ड के बारे में बताया, रिबूट रिस्टार्ट ये सब में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, फास्ट बना देता। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें जो बताऊं ना, विंडोज 10 प्रो वर्जन है, विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड लेटेस्ट आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट प्राइस बहुत ही कम है। तो ये सब कुछ थे इसके डिटेल। एंड गाइस, उसके बाद इसका लुक थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो सब कुछ तीनों पीसी के बारे में तो बता ही दिया, इसमें भी वही सब है, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर पोर्ट वोट सब सेम है। एंड इसमें जो CD स्लॉट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, तीनों में से कोई भी पीसी में CD स्लॉट नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में सब कुछ बता दिया, कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लास्ट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो आपको तीनों परचेज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी आपको अगर जो अच्छा लगे बजट में आपके हिसाब से जो है परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर परचेज करना। एंड एक बार चैनल विजिट करना, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, तो देख लेना वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।